करनाल के घरौंडा स्थित रेलवे अंडर पुल के पास बन रही भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को खंडित करने का मामला प्रकाश में आया है। सुबह आसपास के लोगों ने जब देखा तो इस शर्मनाक घटना की निंदा की। सूचना मिलने पर घरौंडा के अंबेडकर युवा समिति के कई पदाधिकारियों व सदस्यों ने मौके पर पहुंचकर गहरा रोष जताया और जमकर नारेबाजी की। समिति के सदस्यों ने बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर चौक पर स्थित टावर की लाइट पड़ती थी, लेकिन वह बंद पड़ी थी। अज्ञात शरारती तत्वों ने डॉक्टर भीमराव की प्रतिमा की बाजू को तोड़कर अलग कर दिया व टूटी हुई बाजू को अपने साथ ले गए। समिति के सदस्यों ने इसकी शिकायत प्रशासन के अधिकारियों व पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट द्वारा जांच शुरू कर दी। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की जांच व पूछताछ कर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। समिति के पदाधिकारी व सदस्यों की मांग है कि जब तक बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को दोबारा से नहीं लगाया जाता व आरोपियों को पकड़ा नहीं जाता, तब तक धरना जारी रहेगा। समिति के सदस्यों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को मेटल की बनाने की मांग की है। प्रशासन के अधिकारियों और पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द मूर्ति को ठीक कर स्थापित किया जाएगा। घरौंडा से विवेक राणा की रिपोर्ट। ये रात को किसी ने जो मूर्ति है उसको खंडित किया है, उसके बाद मूर्ति हुई है। हमने पहले तो सबसे पहले आसपास के जितने भी कैमरे थे वो चेक किए हैं। इसके मूर्ति के ऊपर भी कैमरे पहले से प्रशासन की तरफ से लगाए गए थे, लेकिन यहाँ आके पता लगा कि वो कैमरे पिछले 3 महीने से बंद। और इसके अलावा जो भी आसपास के कैमरे थे वो हमने सारे चेक कर लिए हैं। फिंगरप्रिंट टीम हमने मौके पे बुला ली थी, फिंगरप्रिंट हमने उठवा लिए हैं क्योंकि कुछ साक्ष्य मौके पे पड़े थे। और इसके अलावा हमने डंप उठवाए हैं अभी, जो ताकि पता लग जाए कि रात को कितने फोन इस एरिया में चले जी। और मुकदमा हमने दर्ज कर दिया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त। 11 मेंबरी एक कमेटी बनी है और जो भी इन्होंने कहा है कि जो भी कमेटी डिसाइड करेगी उसके बाद हम बताएंगे। और हमने उनका पूरा एश्योर किया है कि जितनी जल्दी होगी मुलजिम के खिलाफ उतनी जल्दी पकड़ के उसके खिलाफ कार्रवाई। सुबह इन्होंने सजेस्ट किया था हमें कि भाई कम से कम मूर्ति आप करते हैं, तब तो भी अच्छी नहीं लगती। अब बाहर से एक तो वैक्सीन में आए हैं जिन्होंने कहा कि नहीं दिया। ये पूरी जो घटना हुई है इसमें नगर पालिका का अहम रोल है, क्योंकि यहाँ पर पिछले साल भी बाबा साहब की मूर्ति कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़ दी थी, जिसमें हमने मुकदमा भी दर्ज करवा रखा। उस मुकदमे में भी आज तक कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ। और हमने पिछले 2 महीने पहले नगर पालिका में जाकर सूचना दे दी थी भी अम्बेडकर चौक घरौंडा में लाइटें खराब हैं, कैमरे खराब पड़े हैं, सफाई व्यवस्था नहीं है, इसकी सुचारू रूप से हमारे कैमरे को ठीक करवाया जाए। लेकिन वहाँ सेक्रेटरी साहब ने पूरा आश्वासन, झूठे आश्वासन देकर हमारे को ऐसे ही चिपकाते रहे और इसकी ये ठीक नहीं करवाया, जिस कारण से कल रात किसी असामाजिक तत्व ने बाबा साहब की मूर्ति का हाथ तोड़ दिया और हाथ तोड़कर हाथ को भी अपने साथ उठाकर ले गया है। उसके बाद सवेरे हमारे को पता लगा तो हमारे समाज के लोग यहाँ आज सवेरे से बैठे हैं। अब नगर पालिका से सेक्रेटरी साहब भी और SDM साहब भी और DSP भी यहाँ पर आए थे मौका मुआयना करने के लिए, लेकिन वो भी खाना पूर्ति करके ही चले गए हैं। तो हमारे लोगों ने अब जो अपनी 11 सदस्य कमेटी बनाई है वो भी उस पर विचार मंथन कर रहे हैं कि आगे की कैसे कार्रवाई करें। कल हम पूरे भारत से अपने लोगों को, समाज के लोगों को यहाँ बुलाएंगे ताकि प्रशासन पर ये जोर देकर उन आरोपियों को गिरफ्तार करवाया जा सके जो बार बार ऐसी घटना करते हैं और बाबा साहब का अपमान, पूरे हमारे बहुजन समाज का अपमान बार बार करते। तक हमें आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाते। हमारी एक और मांग है कि इसको मेटल की अष्टधातु की मूर्ति यहाँ पर लगाई जाए ताकि ये मूर्ति बार बार न टूटे। मैं सवेरी पछताड़ा जा रहे थे जी, पूरा प्रधान चंद्र बान ने मेरे पास फोन कराया, वो बोला प्रधान जी बाबा साहब जी जो हाथ है वो तोड़ दिया। तो मैं तुरंत यहाँ आया, मैंने देखा तो ये हाथ टूटा हुआ है। प्रशासन के अधिकारी SHO आया, SDM आया, DSP आए जी। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? हाँ, उन्हें आश्वासन ये दुआ प्रधान जी हम कल तक उन मुजरिमों को पकड़ें। हम 11 मेंबरों की जो समिति बनाई हमने, 11 मेंबर चुने गए, उन्हें मतलब एक निर्णय लिया भाई जब तक दोषी नहीं पकड़े जाते ठीक है नहीं तो हम पुलिस के पास नहीं, SDM के पास भी नहीं जाएंगे, नहीं SDM के पास जाएंगे नहीं DSP के पास जाएंगे। भाई हमने बुला कर गए, हमने DSP से कह दिया भाई जब तक गिरफ्तार नहीं होंगे हम मतलब ये धरना नहीं। कितने दिन तक चलेगा धरना ये? जब तक मैं दोषी नहीं पकड़े। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden.
world-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.